रविंदर रैना जी अगर शोर होते तो हमने 45 डिग्री का टेम्परेचर 4 महीने वहां पे खाया हुआ है, और 45 डिग्री टेम्परेचर में जम्मू में बैठे हुए थे, सांबा में बैठे हुए थे, और 136 दिन हो गए हमें बैठे हुए। अगर इन्होंने हमारे बारे में सोचना था होता तो अभी तक हमें पॉलिसी दे देते। अब टाल मटोल की राजनीति चल रही है, हम देखेंगे उनको भी। अगर वो करवाना चाहते हैं, करवाना क्या उन्होंने, अगर करना चाहते तो एलजी उनका था, प्रधानमंत्री उनका था, अमित शाह जी उनके हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, और इधर भी एलजी उनका है, करना चाहते 2 मिनट में कर सकते थे, इन्होंने कुछ नहीं किया है और नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने कमेटी पहले गठित की होती, अगर ये हमारे इतने सके संबंधी थे तो इन्होंने दीपावली में 1 महीने की तनख्वाह दिलवा देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो साथी दिवाली अच्छी तरह मनाते, दिवाली पे हमने आंसू बहाए हैं और वो आंसू हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। इलेक्शन में देखेंगे हम इनको, अगर ये उन्होंने हमें पॉलिसी नहीं दी तो इलेक्शन में देखेंगे इनको हम। जद्दोजहद जारी रहेगी, बिल्कुल जद्दोजहद रहेगी, जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी। हमने इनको वार्निंग भी दी हुई है, अगर हमें रेगुलेशन पॉलिसी इन्होंने इलेक्शन से पहले नहीं दी तो आने वाले चुनाव में इन्हें भारी ग्राफ्ट मिलेगी बोर्ड की, और हम बोर्ड नहीं चोट देंगे और लखनपुर के पार देंगे, ये हमने क्लियर बोला है, और हमने अपने बच्चों की कसम खाई है डेली वेजरों ने सभी ने कि जब तक हमें वो रेगुलेशन पॉलिसी हमें लागू नहीं करते तब तक हम उनके बारे में कोई वोट नहीं, हम चोट देंगे और लखनपुर के पार पहुंचाएंगे। सरकार को ये हमारी स्पष्ट चेतावनी है, एलजी सरकार, ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी साहब, बीजेपी, हम इनको सख्त चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कर दीजिए। अगर उन्होंने हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं की तो आने वाले इलेक्शन में भारी भारी नुकसान पहुंचेगा, ये हमने बोल रखा है, ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 4 महीने में पे बंद होने का कारण ये था कि भैया दूज भी आया, दीपावली भी आई, करवा चौथ भी आया, बहुत जैसे त्योहार आए वो हमारे बहुत फीके पड़े और हमें खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, और हमारे जो जितने मौजूद चेहरे आप देख लीजिए इनके पास फूटी कोड़ी नहीं है, तो हम कैसे चलाएंगे। तो जिस तरह से पीएचई डेली वेजर्स को 136 दिन हो चुके हैं काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह का संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनको लेकर नहीं लिया है, और लगातार इनकी एक ही आवाज है कि हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए और हमारा जो 70 से 75 महीने का पेंडिंग वेतन है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन अब जहां इनके तमाम परिवारों की बात करें तो इनके परिवार जो है वो अब दरबदर हो रहे हैं, और हमने कई ऐसे पीएचई डेली वेजर देखे, ये तमाम ऐसे हमने डेली वेजर देखे जो कहीं ना कहीं अपने आंसू भी छलकाते नजर आ जाते हैं, लेकिन इनको एक उम्मीद की किरण अब जरूर बंधी है, हालांकि उसका जम्मू कश्मीर प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से तमाम डेली वेजर ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और भाजपा को लेकर ये कहा कि दावा तो बड़ा किया गया था उनकी तरफ से कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपका मसला हल करेंगे, लेकिन वो मसला आज तक हल नहीं हुआ। लेकिन अब उनको ये भी डर सता रहा है कि कहीं आने वाले चुनावों में भाजपा को सेटबैक ना हो जाए, जिस तरह से इनकी एक मेजॉरिटी है तमाम डेली वेजर्स की जो उनके अगेंस्ट जो वो वोट करेगी, यानी बीजेपी को इलेक्शन में इग्नोर करेगी, उसी डर से शायद अब बीजेपी ने ये एक छोटा सा संज्ञान जरूर लिया है कि 5 मेंबर की कमेटी बना दी गई है, वो इस पूरे मसले का संज्ञान लेगी और इसका क्या कोई बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकलेगा उसकी एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन को देगी। लेकिन तमाम पीएचई डेली वेजर्स एक बार फिर से मेरे साथ हैं, सांबा के सब डिविजन में मौजूद हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं इस 5 मेंबर कमेटी जो गठित की गई है भाजपा की तरफ से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो लगातार आपकी तरफ से हड़ताल जारी है, 136 दिन का एक लंबा अरसा होता है जो आपकी हड़ताल अभी भी लगातार जारी है, परिवारों की हालत बुरी हो चुकी है, तनख्वाह नहीं है, पॉलिसी हाथ में नहीं है, लाठियां आपके ऊपर बरसाई गई, हर तरह का अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है, लेकिन आश्वासनों की भी झड़ी लगी है बीच में कि आपका मसला हल होगा, हल होगा, लेकिन भाजपा को जिस तरह से आपने लगातार आड़े हाथों लिया, आज भाजपा भी एक कमेटी जो वो गठित कर चुकी है जो आपके फेवर की बात करेगी, रिपोर्ट बनाएगी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं और आगे क्या कुछ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? शुक्रिया ऋषि जी, सबसे पहले मैं जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं। तो हम आज 136वां दिन हो गया हमें हड़ताल पर बैठे हुए, और सरकार ने अभी तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं किया है आज तक। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर लिए, बार बार प्रदर्शन किया, बार बार हमें लाठियां भी पड़ी, बार बार हमने घराव किया, तो जब हमने कंपनी बाग का पानी बंद किया तो सरकार हरकत में आई। हरकत आने का मतलब ये था
कि कम से कम 12-13 घंटे जो हमने पानी बंद किया, उसमें जम्मू सिटी का SMG हॉस्पिटल का भी पानी बंद हुआ, मेडिकल कॉलेज का पानी बंद हुआ, और जितने भी दफ्तर थे, जो बड़े बड़े ऑफिस थे, सेक्रेटर था, वहाँ का भी पानी बंद हुआ। तो सरकार हरकत में आई, तो सरकार ने हमें रात को ठीक 12 बजे डिप काम जी ने हमारे सेंटर बॉडी से बात करने की कोशिश की, और हमारे दो साथी वहाँ पे गए और उनसे टेबल टॉक बात हुई। उन्होंने बोला कि हम आपका मसला हल करने के लिए जा रहे हैं, और डिप काम जी ने वैष्णो माता की कसम खाकर बोला कि हम आपका जल्दी से जल्दी रेगुलेशन पॉलिसी पर उतरने जा रहे हैं, और आप हमें अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो आपके पास पड़ा हुआ है। फिर हमारे साथियों ने वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में दिए और उनको इंश्योर किया कि ये डेली वेजर हैं, ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्री हो चुकी है, वेरिफिकेशन हुई है हमारी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी बात है, हम करेंगे। और बदकिस्मती ये थी कि बीच में बैक टू विलेज भी आ गया, उसमें थोड़ा देर लग गई। और हम साथियों को ये आश्वासन देते हैं कि डिप काम जी ने हमें इंश्योर किया है कि हम जल्दी से जल्दी आपका ये मसला हल करने के लिए जा रहे हैं, और शायद हमें हो सकता है मंगल या बुध वीरवार तक हमारी कोई मीटिंग हो जाए सेंटर बॉडी के साथ। और हम सेंटर बॉडी से भी ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप भी वहाँ पे मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं 4 महीने की पे बंद पड़ी हुई है। 4 महीने में पे बंद होने का कारण यह था कि भैया दूज भी आया, दीपावली भी आई, करवा चौथ भी आया, बहुत जैसे त्यौहार आए वो हमारे बहुत फीके पड़े, और हमें खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। और हमारे जो जितने माजूस चेहरे आप देख लीजिए, इनके पास फूटी कोड़ी नहीं है, तो हम कैसे चलाएंगे। हमने एक्शन साहब से भी 3-4 बार गुहार लगाई, AW साहब से भी हमें गुहार लगाई, AW साहब ने हमें बोला कि हाँ कुछ कर रहे हैं आपके लिए, हम उनका भी थैंक्स करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो हम सभी BJP वालों से हम साथ जोड़कर विनती करते हैं, जो आपने कमेटी बनाई है हमारे लिए बनाई है, और हम आपका थैंक्स करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी आप हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए और हम आपके झंडे बुलंद करेंगे, ये स्पष्ट बात है। लेकिन जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने लगातार भाजपा पर तंज कसे कि भाजपा ने दावा किया था हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन क्या वही वजह कि आज भाजपा ने ये छोटा सा संज्ञान जरूर लिया आपके लिए? हाँ, बार बार तो तंज हमने कसा हुआ था, और हमने इनको वार्निंग भी दी हुई है, अगर हमें रेगुलेशन पॉलिसी इन्होंने इलेक्शन से पहले नहीं दी तो आने वाले चुनाव में इन्हें भारी गिरावट मिलेगी वोट की, और हम वोट नहीं छोड़ देंगे और लखनपुर के पार देंगे, ये हमने क्लियर बोला है। और हमने अपने बच्चों की कसम खाई है डेली वेजरों ने, सभी ने, कि जब तक हमें वो रेगुलेशन पॉलिसी हमें लागू नहीं करते तब तक हम उनके बारे में कोई वोट नहीं, हम छोड़ देंगे और लखनपुर के पार पहुंचाएंगे उनको। लेकिन अब आगे क्या कुछ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आपका रहेगा, आपकी अगली क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही है, अगर इन्होंने 10-15 दिन के अंदर अंदर कोई इन्होंने हलचल नहीं की, तो आने वाला जम्मू में जितने भी ट्यूबवेल हैं, कंपनी बाग है, शीतली है, मेन जो स्टेशन जो पूरे सिटी साउंड जम्मू को वो पानी देते हैं, वो सारा का सारा हम जाम कर देंगे और हाहाकार मचा देंगे, और फिर दोबारा हम सड़कों पर उतरेंगे। और सरकार को जो हमारी स्पष्ट चेतावनी है, LG सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरी साहब, BJP, हम जिनको सख्त चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कर दीजिए, अगर उन्होंने हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं की तो आने वाले इलेक्शन में भारी नुकसान पहुंचेगा, ये हमने बोल रखा है, ये क्लियर है। लेकिन रविंदर राणा जी से कोई आपकी सेंटर बॉडी की बात हुई है जब ये कमेटी गठित की गई है, कोई इस तरह से कोई इनकी कोई ऐसी टाक आपकी? नहीं, हमारी सेंटर बॉडी से कोई टाक नहीं हुई है उनके साथ, और उन्हें खुद ही बना दी है ये कमेटी, पता नहीं किस कारण बनाई है, कौन सा कारण था, क्या उनको कौन सा फायदा मिल रहा था, कौन सा नुकसान मिल रहा था, मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर रविंदर रैना जी अगर शोर होते तो हमने 45 डिग्री का टेम्परेचर 4 महीने वहां पे खाया हुआ है, और 45 डिग्री टेम्परेचर में जम्मू में बैठे हुए थे, सांबा में बैठे हुए थे, और 136 दिन हो गए हमें बैठे हुए, अगर इन्होंने हमारे बारे में सोचना था होता तो अभी तक हमें पॉलिसी दे देते। अब टाल मटोल की राजनीति चल रही है, हम देखेंगे उनको भी, अगर वो करवाना चाहते हैं करवाना क्या है उन्होंने, अगर करना चाहते तो LG उनका था,
प्रधानमंत्री उनका था, अमित शाह जी उनके हैं, सेंटर में उनकी सरकार है और इधर भी एलजी उनका है। करना चाहते दो मिनट में कर सकते थे, इन्होंने कुछ नहीं किया है और नहीं करना चाहते हैं जी। क्या क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरह से आज ये कमेटी गठित कर रहे हैं, आपके इतने त्यौहार फीके गए हैं, आपके परिवार आज कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे हैं, अगर ये कमेटी गठित पहले करते तो शायद आज उसका कोई रिजल्ट आपके सामने होता? अगर इन्होंने कमेटी पहले गठित की होती, अगर ये हमारे इतने सगे संबंधी थे तो इन्होंने दीपावली में एक महीने की तनख्वाह दिलवा देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो साथी दिवाली अच्छी तरह मनाते, दिवाली पे हमने आंसू बहाए हैं और वो आंसू हम हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। इलेक्शन में देखेंगे हम इनको, अगर ये उन्होंने हमें पॉलिसी नहीं दी तो इलेक्शन में देखेंगे इनको हम। जद्दोजहद जारी रहेगी, बिल्कुल जद्दोजहद रहेगी, जब तक पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, तो ये जो जिस तरह से बीजेपी ने इनके फेवर में कमेटी गठित की है, उस गठित कमेटी को लेकर भी इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे के कारण है कि आज भाजपा को याद आया कि इनके बारे में संज्ञान लिया जाए? अगर संज्ञान लेना होता तो पहले लिया होता, आज इनको कुछ महीने की तनख्वाह इनके हाथ में होती, इनके परिवार का अच्छा पालन पोषण होता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कमेटी गठित की है तो उसका कोई रिजल्ट भी पॉसिबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर पॉसिबल रिजल्ट नहीं निकलता है, अगर इनके फेवर की बात नहीं होती है, तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजपा का आने वाले दिनों में बहिष्कार होगा, चुनावों में यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे हम भाजपा को, ये भी एक इनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अगर पॉलिसी इनको नहीं देती है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें, तो आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं, इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन आज काफी मायूस है, काफी इनकी बद से बदतर हालत हो चुकी है, बिना तनख्वाह के रेगुलर जो 4-5 महीने से भी तनख्वाह इनको नहीं मिल पा रही है। अब देखना यह कि क्या कुछ संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र में बैठी भाजपा लेती है, और जो रविंदर राणा जी ने कमेटी बनाई है वो कमेटी क्या कुछ रिपोर्ट ऊपर सौंपती है, यह आने वाले दिनों पता चलेगा। लेकिन इनकी जद्दोजहद लगातार जारी रहेगी अपने हकों को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।